गम मनाने में जावा, मैं आपको मुख्तसर बता देता हूँ गम कैसे होता है और कितना होता है। तो अगर किसी का इंतकाल हो जाए तो सबसे पहली चीज, औरत के लिए जायज है कि मैक्सिमम 3 दिन गम मनाए शौहर को छोड़ के, शौहर का अलग मसला बाद में रखता हूँ, कोई भी इंतकाल कर जाए तो वो गम मना सकती मैक्सिमम कितने दिन, 3 दिन। बट ये 3 डेज भी क्या मानूं आपको, ऑप्शनल है, चाहे तो मनाए, जरूरी नहीं है, दोनों एक साथ, समझ रहा। मतलब किसी घर में इंतकाल हुआ किसी का, तो एक औरत चाहे तो, मर्द को तो गम मनाना नहीं, याद रखिए, गमगीन हो सकता है, गम मनानी मनाना समझ रहा, तैयार नहीं होना, बैठे रहना एक जगह, इजहार करना याद कर करके, ये गम मनाना है। रोना, गमगीन होना तो मर्द के लिए भी है, कोई उसका इंतकाल हो जाता है, लेकिन वो मना नहीं सकता 3 दिन। लेकिन औरत को इख्तियार है, ऑप्शनल है कि 3 दिन तक गम चाहे तो मनाए, जरूरी नहीं है, ये बात भी याद रख ले आप। हमारे पास तो कैसा है, किसी की अम्मी का इंतकाल हो रहा है 3 दिन का, 30 दिन बाद भी हंसते हुए देखो, हाँ हंसरे अम्मी का इंतकाल हो रहा 30 दिन पहले, अभी तक कैसे हंस रहे, 40 दिन तक बगैर हंसे के रहना, ऐसा मुझे समझ में नहीं आता है। 3 दिन है वो भी ऑप्शनल है और उसी औरतों के लिए। हाँ, शौहर का इंतकाल हो जाए तो 4 महीने और 10 दिन तक गम मनाएंगे। अब अस्सलाम वालेकुम, आप भी हमारे इस काम में ताऊन करें, अपनी ज़कात और सदक़ात के जरिए डोनेशन डिटेल्स के लिए डोनेट पर क्लिक करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए हैं तो इसे शेयर करें और सबके हकदार बने। रोजाना हमारी वीडियो को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हमसे दीगर सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए वीडियो में दिए गए आईडी को सर्च करें। जज़ाकअल्लाह।